आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का, शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 52 जिलों में सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती 29 जिलों में होगी, अलग कमरे में होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। ईवीएम की गिनती भी 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम होंगे। गर्मी को देखते हुए भी गर्मी से राहत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। 52 जिलों में सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती 29 जिलों में होगी, वो एक अलग से रूम में होगी, और ईवीएम की गिनती भी 8 बजे से ही शुरू होगी। मतगणना स्थल पर 3 लेयर्स में सुरक्षा के इंतजाम होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। ऐसे में जो वहां पर काउंटिंग में कर्मचारी तैनात होंगे, उनके लिए खास तौर पर इंतजाम भी किए जाएंगे। मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होगी, जबकि पोस्टल बैलेट की गिनती 29 जिलों में होगी। वहीं गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर सभी जरूरी उपाय किए गए हैं। आरंभ हो जाएगी। गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पे छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था, कुछ जगहों पे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पे एसी वगैरह की व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयास ये है कि गर्मी को देखते हुए जो कुछ भी सुविधाजनक माहौल वहाँ क्रिएट किया जा सकता है वो किया जाए। एमपी के जिलों में मतगणना की तैयारियों की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिलों में मतगणना की फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थलों पर खास व्यवस्था भी की गई है। मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारी की हुई है। दोनों ही पार्टी काउंटिंग पर अपनी पैनी नजर रखेंगी। बीजेपी ने अभी से जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राजधानी भोपाल के पार्टी मुख्यालय से लेकर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर तैयारी की गई है। भोपाल बीजेपी के दफ्तर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कहा कि विपक्ष किसी भी तरह का भ्रम ना पाले, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने भी किया है पलटवार। इस प्रचंड विजय का उत्सव भी, जश्न भी प्रचंड होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में, प्रदेश कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, इन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि विकसित भारत की संकल्प की ये जो जीत है वो जश्न के रूप में जल्दी परिवर्तित हो और ये प्रचंड विजय स्पष्ट तौर पे दिखने लगे। देखिए, माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार पीसीसी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें लीगल एडवाइजर और जितने भी विशेषज्ञ हैं सब यहाँ एकत्रित रहेंगे और माननीय कमलनाथ जी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और जितने भी देखने और समझने वाले लोग हैं निर्वाचन आयोग को, वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और पूरे प्रदेश की मतगणना पर नजर रखेंगे। एक एक काउंटिंग प्लेस जो जो जिला मुख्यालय पर है वहां भी हमारे लोग मौजूद रहेंगे, जो निरंतर हर घटना दुर्घटना की सूचना देते रहेंगे और जहां भी गड़बड़ी होगी हमारे लोग चुनाव आयोग में जाकर के प्रायोरिटी के तौर पर। तो जो सियासी वार पलटवार था वो तो आपने देखा सुना। अब बात कर लेते हैं कि जो जमीन पर किस तरह की तैयारियां, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। हमारे दो सहयोगी इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये 12-13 घंटे का समय बाकी है मतगणना शुरू होने में, तो कह सकते हैं पल पल भारी बीत रहा होगा कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों में, नेताओं में। अभी फिलहाल वहां पर क्या हलचल, किस तरह की सुगबुगाहट?
देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इस बार इंदौर में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं थी, कांग्रेस ने किसी भी दूसरे दल को सपोर्ट नहीं किया था, कांग्रेस लगातार नोटा के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। यानी कल का जो दिन है, कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कल इंदौर में नोटा को कितना वोट पड़ा, क्या नोटा में इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा, कांग्रेस इस चीज का इंतजार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कल की जीत का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों का, तमाम नेताओं का दावा है कि कल इंदौर की जो जीत होगी वो पूरे देश की सबसे बड़ी जीत होगी। इंदौर एक कल नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बकायदा रेड कार्पेट बिछा दिया गया है, फूल माला से बीजेपी कार्यालयों को सजा दिया गया और कुंटोलों से मिठाई का ऑर्डर दे दिया गया। आज वो तस्वीर हमने दिखाई थी आप दर्शकों को, जब मंत्री तुलसी सिलावट मिठाई का ऑर्डर देने के लिए मिठाई की दुकान पहुंचे, उन्होंने कहा कल का जो दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 के साथ देश में परचम लहराने वाली है, दुनिया के लिए रिकॉर्ड देखने वाली है। तो वहीं 29 सीट के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होने जा रही है और इंदौर का जो जीत है वो ऐतिहासिक होगा। तो तैयारियां अलग अलग तरीके से है, 700 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है मतगणना स्थल पर, नेहरू स्टेडियम स्ट्रांग रूम है वहां पे काउंटिंग होना, सुबह 6 बजे अधिकारी जो है स्ट्रांग रूम पहुंच जाएंगे। इस बार जो काउंटिंग हॉल है वहां पे कूलर जहां पे एसी लगाया गया, कैरी पना और तमाम जो ग्लूकोज और रसीले जो जरूरी भी है ये व्यवस्थाएं जरूरी भी है इंतजाम, क्योंकि गर्मी प्रचंड पड़ रही है। ऐसे में जो वहां पर काउंटिंग में डिप्लॉयमेंट रहेगा उनका ख्याल रखने की आवश्यकता भी है। मिथिलेश ग्वालियर चलते हैं, सुशील कौशिक जरा बताएं कि ग्वालियर के रण में किसकी, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, दावे भी हैं, मतगणना को लेकर किस तरह से सियासी दलों के इंतजाम है और वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल भी अगर कहें तो यहाँ की चारों सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, चारों सीटों पर अच्छी लड़ाई थी ऐसा कांग्रेस का दावा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एग्जिट पोल आए उसके बाद भाजपा ने साफ तौर पर कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर उसका कब्जा होगा और देखना यही है कि कल जो है मतगणना के बाद कितनी बड़ी जीत होती है। भाजपा का ये दावा है, चारों सीटें जीतने का दावा है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से हैं, इसके अलावा ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा है, इसके साथ ही भिंड से संध्या राय है जो वापस चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना सीट से हैं। इन चारों के सामने अगर कहें तो मुरैना और ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर जरूर थी, लेकिन अब बीजेपी एग्जिट पोल के बाद मानकर चल रही कि एक बड़ी जीत होगी ग्वालियर में भी। अगर मतगणना की बात करें तो मेरे पीछे ही जो है एमएलबी कॉलेज है जहां स्ट्रॉन्ग रूम भी है और साथ ही इसी जगह मतगणना होगी। इस एमएलबी कॉलेज में ही पीछे स्ट्रॉन्ग रूम के आगे 12 कमरों में 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी ईवीएम की। इसके साथ ही सुबह 8 बजे से जो बैलेट पेपर हैं वो भी गिने जाएंगे, पोस्टल बैलेट, और इसके साथ ही ईवीएम की भी गिनती शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक ग्वालियर में पहले राउंड का नतीजा संभवतः सामने आने की उम्मीद है, कलेक्टर का ऐसा कहना है। निश्चित तौर पर गर्मी को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था है, ग्लूकोज की व्यवस्था है, इसके अलावा और ये इंतजाम होने भी चाहिए। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि कल का दिन तो बड़ा ही मुश्किलों भरा रहने वाला है। सुबह से ही काम पे जुट जाएंगे आप सभी लोग भी और हम भी, हमारी पूरी टीम भी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए मिथिलेश और सुशील। तो ग्वालियर में जहां प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारी की हुई है, तो वही प्रत्याशी के समर्थकों ने जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है, दिखाते हैं आपको। तो देखिए किस तरह से मशहूर 95 साल पुरानी ये बहादुर लड्डू की दुकान है जहां पर देसी घी से लड्डू बनाए जाते हैं, लजीज जायके के लिए मशहूर है। लड्डुओं की बम्पर बुकिंग शुरू हो गई है और ग्वालियर में जो समर्थक हैं अपने नेताजी की जीत के जश्न में बहादुर के लड्डू से मुंह मीठा कराएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो जीतने वाले खुशियां मनाते हैं और इन खुशियों में मुंह मीठा करने की परंपरा है। और जब ग्वालियर में चुनाव हो तो बात होती है बहादुरा स्वीट्स की। दरअसल 95 साल पुराना बहादुरा स्वीट्स वही दुकान है जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आकर यहाँ के लड्डू खाया करते थे। इसके साथ ही जलेबियाँ कचौड़ियाँ भी अटल जी को बहुत प्रसिद्ध और पसंद थी। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है या चुनाव नतीजे आते हैं या तमाम जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उस दौरान इस बहादुरा लड्डू से मुंह मीठा करना शगुन माना जाता है और इसी को लेकर
हम बात करेंगे खास तौर पर संचालक है भाई साहब, किस तरह का तैयारी है चुनाव को लेकर और क्या है? जी अब अपने यहाँ तो चुनावों को बिल्कुल रिजल्ट को त्यौहारों की तरह मनाया जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें अपना काम बढ़ाना पड़ता है। जब भी थोड़ा सा देख के ग्राहकी कैसी है क्या आ रही है, अब रिजल्ट आएंगे कल परसों जब भी आने का है तब हमें अपना काम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। और पहले से खासियत ऐसी कुछ नहीं, बस हम साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं, देसी घी के लड्डू बनाते हैं और मीठा है हमारा। चुनाव के नतीजे आते हैं तो निश्चित तौर पर जीतने वाले नेता कार्यकर्ता बहादुरा स्वीट से ही मुंह मीठा कर जीत की खुशियां मनाते हैं। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। वहीं जबलपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जोश से भरे हुए बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने तो मिठाइयां बनवाना भी शुरू कर दिया है और इसे मोदी मिठाई का नाम दिया है। को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है, एक तरफ जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है तो वहीं भाजपा और कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा के विधायक अभिलाष पांडे जी द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लड्डू बनवाए जा रहे हैं उस स्थान पर जहां आप देख सकते हैं कि ये लड्डू बनने का कार्यक्रम जो है ये शुरू हो चुका है। विधायक जी खुद मौजूद हैं और विधायक जी खुद ये लड्डू बनवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आज पे तो तैयारी शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे परिणाम आज ही आ गए। देखिए हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और देश में विकास की और विश्वास की सरकार भारतीय जनता पार्टी कमलपुल की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस देश में कमल खिल रहा है और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो साकार हो रहा है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज उत्तर मध्य विधानसभा में आप देख रहे होंगे हम लगातार ये मिठाई बनवा रहे हैं। आज से नहीं बल्कि एक दिन पहले से ये पूरी तैयारी हो रही थी, तकरीबन 5 क्विंटल के लड्डू जो है वो ये बनाए जा रहे हैं और इसे मोदी मिठाई नाम दिया जा रहा है, जो कल परिणाम आने के बाद आम जनता के बीच में इनका वितरण किया जाएगा। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। वही लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी उत्साहित है। जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव मतगणना की मॉनिटरिंग को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार मतदाता कांग्रेस के साथ है। वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि कल किस तरह से काउंटिंग होगी, उसको क्रॉस चेक करना है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना है। हमारे साथ दिनेश यादव हैं जो जबलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। दिनेश जी, कल की तैयारी कैसी है और क्या उम्मीद लग रही है? सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, सबके कार्ड बन गए हैं, सबको अलग अलग फाइलें जो टेबल की हैं वो बना ली गई हैं और वो यहाँ से वितरित की जा रही हैं। लोग अभी अध्ययन भी कर लेंगे और सुबह सब लोग अपने टाइम पर 6:30 बजे पहुँच जाएंगे। उनको बता दिया गया है मोबाइल साथ में नहीं जाने मिलेगा, आइडेंटिटी जरूर अपने साथ ले जाएं। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी होके और कल की पूरी तैयारी से है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उत्साह से काम किया है वो आज भी दिख रहा है, जबकि एग्जिट पोल से कहीं हमारा कार्यकर्ता ना भ्रमित है, ना हताश है, ना निराश है। बहरहाल कल परिणाम सामने होगा, सरकार किसकी बनेगी, किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये कल ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तमाम दलों के प्रत्याशी पूरे उत्साह के साथ काउंटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। पवन पटेल, न्यूज 18 जम्मू। तो काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो डाटा दिया है वो सही है, अगर बीजेपी 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। वहीं उमा भारती ने कल को लेकर दावा किया है कि एनडीए को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमा भारती ने लिखा, साधु संत भी मोदी के मुरीद हैं।
तो कन्याकुमारी में मोदी जी ने जो किया वो अलौकिक है। मोदी जी भारत को मिले मसीहाई व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हैं। एनडीए को 450 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये ट्वीट उमा भारती का। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने न्यूज 18 पर बड़ा दावा किया, कहा 295 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया और एग्जिट पोल्स के बारे में कहा कि पोल के परिणाम जनता की भावना नहीं। 20 घंटे बाद देश में अगली सत्ता किसकी होने वाली ये तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कैसी तैयारियां कल मतगणना को लेकर और कितना श्योर है आप कि पिछली बार से बेहतर नतीजे बेहतर परिणाम आएंगे? कांग्रेस पार्टी ने कल ही इस बात को डिनाई किया है कि जो एग्जिट पोल की भावना है वो देश की भावना नहीं। देश की भावना है कि 295 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को आएगी, ये कांग्रेस पार्टी ने डिलीट किया है। और जहाँ तक बात है एग्जैक्ट पोल का, इसकी पोल कल खुलेगी। कुछ सर विशेष दिशा निर्देश सारे प्रत्याशियों को, एजेंट्स को आप लोगों ने दिए हैं? 100% हर जगह अलर्ट मूड में रहना है। ये जो एग्जैक्ट पोल का मैसेज देना वर्करों में डिमोरलाइज करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो कांग्रेस पार्टी ने सब जगह हर स्केल की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे लीगल की हो, चाहे वरिष्ठजनों की हो, टीम बनाई। सर, आप कल भोपाल में ही मौजूद रहेंगे वॉर रूम में? 100% रहूँगा। देखिए, जीतू पटवारी हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि बेहतर परिणाम कांग्रेस के लिए आएंगे। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो एग्जैक्ट पोल में नहीं बदलेंगे, एग्जैक्ट पोल कांग्रेस के पक्ष में रहने वाले हैं। वीर जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वही बालाघाट में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी का कहना है कि केंद्र में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इस बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारा सीधा सीधा आपके माध्यम से प्रशासन को संदेश है कि आप बिना किसी दबाव के, सत्ता के दबाव के, बिना किसी सत्ता के दबाव के आप निष्पक्ष मतगणना कराइए। किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम संतुष्ट रहेंगे। देश को सर्वोच्च ले जाने के लिए और विश्वगुरु बनाने के लिए ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिसके लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। और निश्चित तौर पर जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जो मोदी की सरकार का विश्वास है, इस देश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और एग्जिट पोल जो बता रहा है 400 पार हम करेंगे, और ऐतिहासिक निर्णय इस देश के लिए जो रह गए हैं वो इस कार्यकाल में पूरे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनके इस तीसरे कार्यकाल में मुझे इस जिले का प्रतिनिधित्व करने मिलेगा। आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं देखा कि हर नेता और हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जवाबदारी से मुझे बताए बिना पूरे काम पे लगे रहे। मेरे को तो अभी पता चल रहा है कि इनने भी काम किया, उनने भी काम किया। जितने लोगों से मैं पता कर रहा हूँ, जितने ग्रामीण क्षेत्र में भी जा के पता कर रहा हूँ, अपने सरपंचों से पता कर रहा हूँ, हर जगह हमें बहुत अच्छे वोट मिले, तो मैं अपने तरफ से पूरा आश्वस्त हूँ। राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ हादसे पर दुख जताया, साथ ही अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवारों को राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। राजगढ़ में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। लगभग 13 लोग, पुरुष, महिला और बच्चे इसमें नहीं रहे। हम राजस्थान सरकार से भी अनुरोध करेंगे और मध्यप्रदेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे, इन्हें पर्याप्त मात्रा में मुआवजा मिलना चाहिए, पूरी देखभाल होना चाहिए, इलाज अच्छा होना चाहिए। ये मैं सरकार से, जिला कलेक्टर से।
अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। दो दिन पहले शराब ठेके पर सेल्समैन को निशाना बनाकर फायरिंग करने वाले तीन शातिर बदमाशों के मकान को पुलिस और प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने इनके अवैध मकानों को ढहाने का फैसला लिया और एसडीएम, एसडीओपी, सीएमओ, जेसीबी लेकर जोगा पंडित और अजीत तोमर के घर पहुंचे, जहां दोनों के मकानों को ढहाया गया। इसके साथ ही बरहे गांव में पवन शर्मा के मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। और आइए आप देखते हैं टॉप 20।